हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो अब आने वाला है नवंबर दिसंबर का महीना, एंड इसमें क्या होता है, भर भर के शादियां होती हैं। ये शादियों के कार्ड आने से पहले ना हमें अपने स्किन को प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और शादियों में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन क्या होती है, अपने स्किन पे उबटन लगाने की तैयारी आप शुरू कर देते हैं। उबटन के लिए आई नो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें जोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके हम वो उबटन को तैयार करते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपसे काफ़ी अच्छा हैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो ब्यूटीज़, आज की वीडियो में यहाँ पे मैं आपको घर पे बहुत ही कम मेहनत के साथ उबटन बनाना सिखाने वाली हूँ। उबटन में क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आप मार्केट का एक सही उबटन ख़रीद लेना तो आप शॉर्टेड हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन उबटन मास्क। तो इस बेहतरीन उबटन मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस एल्प्स गुडनेस उबटन का। अगर आप चाहे तो आप दूसरा उबटन मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस वन और मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। तो यहाँ पे इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको उबटन में चाहिए होते हैं। टर्मरिक है, बेसन है, वीट फ्लावर है, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो ऑलरेडी इस उबटन में अवेलेबल है। तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल मेहनत नहीं की, इस उबटन को यहाँ पे ले लिया। एक बोल में एक स्पून सफिशियंट है, ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है हम ज़्यादा बना देते हैं फिर उसको वेस्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको यहाँ पे इस उबटन का एक स्पून लेना है, एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है सबसे बेस्ट थिंग, जो कि है यहाँ पे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर पे एलोवेरा जेल अवेलेबल है तो बिल्कुल आप उसको यूज़ कर दीजिए मिक्सचर में पीस के, और अगर नहीं अवेलेबल है तो बिल्कुल आप पतंजलि, वाओ, काफ़ी सारे एलोवेरा जेल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपका काफ़ी बेस्ट उबटन मास्क जो है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, इस उबटन मास्क को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी ठंडक फील होती है, एंड यस, उबटन का जो वो नेचुरल वाला ग्लो है वो आपके स्किन में ऐड होते ही रहता है। तो यहाँ पर आपको इस उबटन को फॉर 5 मिनट्स, जी यस, केवल 5 मिनट तक ही ड्राई होने देना है। ये नहीं कि इसको 10 मिनट तक छोड़ दो, क्योंकि इसमें टर्मरिक है जिससे क्या होता है ये ना आपके स्किन को थोड़ा ओवर येलो कर देगा अगर आप इसे पूरा अपने स्किन पे ड्राई होने के लिए देंगे तो। आपको ट्राई करना है कि आप इस उबटन को केवल 5 मिनट तक ही अपने स्किन पे ड्राई होने दीजिए, एंड देन नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर लीजिए, एंड दैट्स इट। आफ्टर वॉशिंग माई फेस यू कैन सी दैट ग्लो जो कि अभी मेरी स्किन पे है, एंड ये बिल्कुल नेचुरल ग्लो है। तो अगर आपको भी मेरी तरह शादियों की प्रिपरेशन करनी है बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एंड वो नेचुरल उबटन वाला निखार चाहिए, तो यू कैन यूज़ दिस मास्क जो कि बहुत ही ईजिली बन जाता है, केवल 2 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं, एंड यू कैन सी दैट ग्लो जो हमेशा हमें चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरीके के और भी नुस्खों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।